गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संगठनात्मक कारकों की स्टडी करेंगे, जिसमें ये वीडियो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रयोक्ता की दृष्टि से किस प्रकार से कितने स्तर के संप्रेषण होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब वहीं से हम थोड़ा सा ब्रीफ संक्षिप्त परिचय देते हुए, संप्रेषण जो है सामाजिक वस्तु है, यानी संप्रेषण समाज में रह करके व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर से भी संप्रेषण करता है और सामूहिक स्तर से भी सभी के साथ संप्रेषण करता है। तो इस प्रकार संप्रेषण जो है सामाजिक वस्तु है। अब इस संप्रेषण में उसको प्रयोग लाने की दृष्टि से उसके तीन स्तर डिसाइड किए गए थे, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। पहला था व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति का स्वयं से संप्रेषण। दूसरा था व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण। और तीसरा था व्यक्ति का सामाजिक संदर्भ में संप्रेषण, यानी व्यक्ति का समाज के साथ संप्रेषण। तो समाज के साथ जब संप्रेषण की बात हम करते हैं, तो व्यक्ति का संप्रेषण सबसे ज्यादा समाज के साथ होता है। ठीक है, व्यक्ति का यानी व्यक्ति और समाज का सबसे ज्यादा संप्रेषण होता है। अब ये जो संप्रेषण होता है उसमें सामाजिक दृष्टि से भाषा का उपयोग किया जाता है। अब ये जो भाषा है, उस भाषा का जो यूज है, वो यूज बेसिकली मुख्य रूप से चार तरह से। अब चार तरह से किस तरह से हम यूज में लाते हैं? सबसे पहला है, वह है चिंतन। व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। दूसरा जो है वो व्यक्ति आस्वादन करता है। और तीसरा जो है व्यक्ति सूचना प्रदान करता है। और चौथा जो हमारा संप्रेषण है उसमें व्यक्ति प्रेरणा प्रदान करता है। तो इस चार तरह से भाषा का उपयोग संप्रेषण के अंतर्गत सामाजिक दृष्टि से किया जाता है। अब चिंतन के रूप में किस प्रकार से? चिंतन जो है वो ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो हमारा ज्ञान हमें दिखाई दे रहा है वो ज्ञान विज्ञान है। अब उस ज्ञान विज्ञान को हम अनेक शाखाओं के रूप में स्टडी करते हैं। अब ये ज्ञान विज्ञान है, इस ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ है वो विकास चिंतन के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि जब तक व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा तब तक हमारे सामने जो हमें ज्ञान दिखाई दे रहा है या ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषय दिखाई दे रहे हैं, वो विषय आज हमारे सामने विकसित नहीं होते अगर व्यक्ति के द्वारा चिंतन नहीं किया जाता। अब चिंतन, जब चिंतन हुआ तो चिंतन के द्वारा धर्म शास्त्र दर्शन अर्थ राजनीति
आदि इन सभी विषयों का क्या हुआ, विकास हुआ। और ये जो विषयों का विकास हुआ ये सब क्या है, चिंतन के द्वारा ही हुआ। और चिंतन जब तक मनुष्य नहीं करेगा तब तक वो किसी भी क्षेत्र में मनन करके ज्ञान को लिखित रूप में हमें या मौखिक रूप में हमें संप्रेषित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये जो विषयों का विकास हुआ है ये विकास क्या है, चिंतन का ही परिणाम है। तो ये विकास चिंतन का परिणाम। चिंतन का ही परिणाम है। और इस और ये जो चिंतन है ये चिंतन फिर क्या है, संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। संप्रेषण द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से चिंतन के माध्यम से ही हमारे सामने जो भी ज्ञान है, चाहे वो लिखित रूप में है, प्रिंट रूप में है या ओरल रूप में हमारे सामने आया है, वो सब चिंतन का ही परिणाम है। और ये सब संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। सेकंड आता है आस्वादन। आस्वादन का प्रयोग ज्यादातर हम साहित्य में, साहित्य या संगीत में करते हैं। एक रस की अनुभूति जो हमें होती है वही आस्वादन है। तो वो रस की जो अनुभूति होती है वह हमें साहित्य और संगीत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब ये जो साहित्य और संगीत के अंदर जो आस्वादन की हमें अनुभूति होती है, इस अनुभूति के लिए यानी इनकी अनुभूति के लिए हम रमणीक भाषा का प्रयोग करते हैं। रमणीक भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हमें रस की अनुभूति हो, आस्वादन हो। अब ये जो रमणीक भाषा है वो आस्वादन करने में हमारे लिए सहयोगी है। और इसी से ही आगे चल करके जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता, तो सृजनात्मकता रचनात्मकता के क्षणों में भी रमणीक भाषा का, रमणीक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रमणीक भाषा का प्रयोग है यह भी संप्रेषण के द्वारा ही संभव है। यानी व्यक्ति जो आस्वादन की अनुभूति करता है तो उस आस्वादन के अंदर जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें रसों की अनुभूति होती है वो हमारे संगीत और साहित्य ही है। तो ये दोनों ही विषय, चाहे संगीत ले लो या फिर साहित्य ले लो, इन दोनों में ही उसकी अनुभूति करने के लिए हम रमणीक भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस रमणीकता से ही व्यक्ति के अंदर जो सृजनात्मकता है और रचनात्मकता है, और सृजनात्मकता और रचनात्मकता के जो भी क्षण वो व्यतीत कर रहा है उस समय, उसमें रमणीक भाषा का प्रयोग करके ही और रमणीक भाषा का प्रयोग ही जो करेगा उसमें भी संप्रेषण शामिल है। यानी संप्रेषण के माध्यम से ही वो रमणीक भाषा का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा है सूचना। सूचना का मतलब ही है कि ये भी सूचना जो है वो संप्रेषण द्वारा ही हम विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को समाज तक प्रेषित कर सकते हैं। अब वो कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह है, मैगजीन्स है, जिसमें पूरे समाज को हम संप्रेषण द्वारा सूचना दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आती हैं, मोबाइल फ़ोन है, हमारे डिफरेंट टाइप्स के सोशल मीडिया एप्स हैं जिनके माध्यम से हम हमारी सूचनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। अब तीसरा जो इसमें पार्ट आता है और तीसरा पार्ट आता है सॉरी चौथा पार्ट और नेक्स्ट जो पार्ट चौथा पार्ट आता है वो चौथा पार्ट आता है उसके अंतर्गत आती है प्रेरणा। अब प्रेरणा में भी संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि प्रेरणा क्या है,
संप्रेषण का गत्यात्मक रूप है। संप्रेषण का गत्यात्मक रूप हमारा क्या है? प्रेरणा है। प्रेरणा दी जा सके तो उसके एग्जाम्पल है जैसे विज्ञापन, जिससे हम हमारे विचारों, सूचनाओं, इन सबको संप्रेषित करके व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारा जो साहित्य साहित्य ये भी हमारा जो है प्रेरणा का ही स्रोत है, जो विभिन्न व्यक्तियों को, समाज के, उन्हें साहित्य के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें अपनी भावनाएं, विचार, सूचनाओं आदि से हम प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक और आता है, वो आता है संगीत। तो ये सभी के माध्यम से हम जो है इन तीनों के द्वारा हम संप्रेषण द्वारा प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से हम विभिन्न चार प्रकार से भाषा का उपयोग करते हुए व्यक्ति को समाज में या व्यक्ति का समाज से जो संप्रेषण है, उसमें चार तरह से हम हमारा संप्रेषण कर सकते हैं, जिसमें चिंतन के माध्यम से, आस्वादन के माध्यम से, सूचनाओं को देकर के और उन्हें प्रेरणा प्रदान करके हम व्यक्ति को संप्रेषण कर सकते हैं। और संप्रेषण के द्वारा फिर हम हमारे विचार, हमारी सूचनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे तथ्य, जो भी हम दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, उन व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, सामाजिक दृष्टि से भाषा के मुख्य उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो भाषा की दृष्टि से जो भी आज हमने इस वीडियो में मुख्य उपयोग की स्टडी की, आप उसको स्पष्ट करते हुए विद एग्जांपल लिखिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में लोगों को अवेयर कीजिए इस कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए, और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।